हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अवर SST बुक्स चैप्टर द अर्लीस्ट पीपल। टॉपिक डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन मीन्स पालतू बनाना, और प्लांट्स पौधों को एंड एनिमल्स जानवरों को। प्राणियों और पौधों को पालतू बनाना, तो प्राणियों और पौधों को पालतू कैसे बनाया गया, तो इसके बारे में हम रीड करेंगे। लेट्स सी, द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द मेसोलिथिक एज लेड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक वीट, बाले एंड राइस। क्लाइमेटिक चेंजेस, जलवायविक परिवर्तनों के कारण इन द मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक पौधे जैसे गेहूं, बार्ले मीन्स जो एंड राइस मीन्स चावल, जो गेहूं और चावल जैसे पौधों में वृद्धि हुई। द मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स माइट हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड ईटिंग दीज सीड्स। मध्य पाषाण युग में जो शिकार संग्रह करते थे, उन लोगों ने कलेक्टिंग एंड ईटिंग दी सीड्स, पौधों के बीजों को एकत्रित करना और उन्हें खाना शुरू किया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वेन दे ऑब्जर्व न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स। यह तब संभव हुआ जब लोगों ने देखा कि नए पौधे कुछ बीजों से उगाए जाते हैं। दे थॉट ऑफ ग्रोइंग देयर ओन फूड। इसके बाद उन्होंने अपना भोजन स्वयं उगाना शुरू किया। ग्रेजुअली दे आल्सो मस्ट हैव लर्नड दैट दे कुड टेम एनिमल्स बाई गिविंग देम फूड। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। दे आल्सो मस्ट हैव लर्नड, उन्हें पता चला कि वे भी जानवरों को भोजन देकर उन्हें पालतू बना सकते हैं। टेम मीन्स पालतू। द डॉग वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, और कुत्ता वह प्रथम प्राणी था जिसको पालतू बनाया गया। बाय द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग के अंत में ह्यूमन बीइंग्स वर प्रोबेबली मूविंग टुवर्ड्स ए मोर सेटल्ड लाइफ। मध्य पाषाण युग के अंत में मानव एक अत्यधिक व्यवस्थित जीवन की ओर जाना उसने शुरू किया। द प्लांट ग्रोवर्स स्टार्टेड सेटलिंग डाउन नियर वाटर बॉडीज। जो पेड़ पौधे उगा रहे थे, उन लोगों ने जल स्रोतों के पास रहना शुरू किया। लेटर बाद में ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज दे बिगेन टू स्टे एट वन पैलेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स। बाद में जब नवपाषाण युग शुरू हुआ, तो दे बिगेन टू स्टे एट वन पैलेस फॉर लॉन्गर पीरियड, तो उन्होंने एक स्थान पर लंबे समय तक रहना शुरू किया। पहले लोग एक स्थान पर बहुत कम समय के लिए ही रुकते थे और अपना स्थान परिवर्तन करते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और फसलें उगाना शुरू की, तो वे एक स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे। मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, भारत में मध्य पाषाण युग के क्षेत्र। मेसोलिथिक साइट्स आर स्केटर्ड थ्रू आउट इंडिया। मध्य पाषाण युग के क्षेत्र पूरे भारत में फैले हुए हैं। मेजर अमोंग दीज आर द साइट्स इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात। इन क्षेत्रों में कुछ मुख्य जो क्षेत्र हैं, वे हैं गुजरात का प्लेन्स समतल मैदान, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका की चट्टाने एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, छोटा नागपुर झारखंड में है। साइट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र, बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी, गाजीपुर और वाराणसी के बीच में के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। बागोर एंड बुद्ध पुष्कर राजस्थान में है। बीरवानपुर ये वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिमी बंगाल में है, एंड सांगानाकुला ये कर्नाटक में है। तो ये विभिन्न मध्य पाषाण युग के क्षेत्र हैं जो पूरे भारत में मिले हैं। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मीन्स नव पाषाण युग।
अराउंड 9000 BCE द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिगेन टू चेंज. 9000 BCE मीन्स BCE फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, जो सामान्य युग से पहले का युग है उसको हम BCE युग मानते हैं. 9000 BCE समय में द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिगेन टू चेंज, पृथ्वी की जलवायु ने परिवर्तन होना शुरू हुआ. द टेम्परेचर बिगेन टू राइज एंड द क्लाइमेट बिगेम मिल्डर, तापमान बढ़ना शुरू हुआ और जो जलवायु है वह सामान्य हो गई. मिल्डर मीन्स सामान्य. इट रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ सेवरल न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ नए पौधे और प्राणियों का जन्म हुआ. द ग्रोइंग सीजन फॉर प्लांट्स बिकेम लॉन्गर एंड जो बढ़ता हुआ मौसम था वो अत्यधिक और अधिक पौधों के लिए अच्छा साबित हुआ, इससे पेड़ पौधे और अधिक लंबे हुए. द हंटर गैदर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज सून लर्नड दैट न्यू प्लांट्स ग्रू फ्रॉम सीड्स, जो शिकार के संग्रह करते थे मध्य युग पाषाणकालीन युग में, उन्होंने अब जाना या सीखा नए पौधे कुछ बीजों से उगाए जाते हैं. एंड दैट डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन, और यह भी जाना कि अलग अलग पौधों को अलग अलग मौसम में उगाया जा सकता है. दे आल्सो फाउंड आउट दैट सम एनिमल्स वर हार्मलेस एंड फ्रेंडली, और उन्होंने पाया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हार्मलेस है, इट मीन्स जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एंड फ्रेंडली मीन्स जो मित्रवत हैं. दस दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फूड गैदरर्स, और इस प्रकार से जो लोग पहले के युग में भोजन का संग्रह करते थे वे अब भोजन का उत्पादन करने लगे. इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्योलिथिक एज, और इस यह न्योलिथिक एज में नवपाषाण युग की शुरुआत थी. नेक्स्ट टॉपिक है न्योलिथिक एज इन इंडिया, भारत में नवपाषाण युग. इन द इंडियन सब कंटिनेंट द न्योलिथिक एज लास्टेड बिटवीन 7000 BCE एंड 1800 BCE. इंडियन सब कंटिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में द न्योलिथिक एज जो नवपाषाण युग था लास्टेड बिटवीन, यह चला था 7000 BCE से लेकर 1800 BCE तक. सम इम्पोर्टेंट साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट साइट्स. सम इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैव बीन एक्सकवेटेड मीन्स खोजे गए हैं इन द नॉर्थ वेस्ट साइट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले हैं. हैव बीन एक्सकवेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं उनके ये कुछ खुदाई से मिले हैं. द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड सर्टेन एरियाज इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और वर्तमान में कश्मीर और सर्टेन एरियाज इन द ईस्ट और पूर्व और दक्षिण के कुछ निश्चित क्षेत्रों में भी नवपाषाण युग के क्षेत्र मिले हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, तो जितना आपको रीड करवाया गया है आप उसे रीड करें, लर्न करें. एनी प्रॉब्लम कंसल्ट मी. ओके थैंक्स.